अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है और मैं आज बच्चों को लेके तकसीम पे जा रहा हूँ, क्योंकि और तो कोई प्लेस ऐसी नहीं है, तो मैंने सोचा चलें तकसीम ही चलते हैं बच्चों के साथ। तो आज हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो ब्लैक ब्लैक शर्ट में हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। आप बताएं हम कैसे लग रहे हैं? अभी तो आपको नज़र नहीं हम आ रहे होंगे, सिर्फ आपको शर्ट्स ही नज़र आ रही होंगी अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तकसीम, तकसीम में जाएंगे, देखेंगे वहाँ का कैसा माहौल है, लेकिन रश बहुत होता है तकसीम में, ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत रश होता है छुट्टियों वाले दिन में ना। और वैसे भी ये 3 दिन इन्होंने बसें और ट्रेनें जो हैं वो फ्री की हुई हैं, तो हमने सोचा चलें ये भी ऑप्शन जो हमें मिली हुई है ये भी ऑप्शन अवेल करें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम में। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। पाकिस्तान में आज ईद का पहला दिन है, तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, और आप लोगों के इतने प्यार का, इतने मैसेजेस का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं। तो और इंशाल्लाह आप हमें प्यार देते रहें, हम वीडियो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, अभी वही हमारे जो घर के पास जन्नत मोहल्ला है इसको क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन, और फिर वहाँ से आगे हम लोग जाएंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये जूबी मेरी दोनों बेटियां, ये तैयार हुई हुई हैं। अब लोग ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, भाई का इंतज़ार हो रहा है, तो भाई आ जाए फिर हम उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी ये देखें, ये माशाल्लाह तीनों माँ बेटियां अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया शुक्रिया, चलते हैं, भाई आ गया, तो चलें चलें फिर। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देखें डड्डू, नहीं डड्डू नहीं है, इसको रैबिट कहते हैं, ये अली के ज़माने का रैबिट है, इसको पीछे से दबाओ और ये अभी तक चल रहा है, देख सकते हैं। सामने बहुत खूबसूरत लग रही है, तो अभी हम लोग तकसीम पे आए हैं। अब देखें यहाँ पे रश तो बहुत ज़्यादा है, तो अभी बच्चों को लेके इधर घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और कैसे है और किस तरह है, और हम लोग कहाँ पे खाना खाएंगे आज। आज दूबी खिलाएगी खाना, आज हम नहीं खाएंगे, दूबी खिलाएंगे।
ये बच्चों ने कहा जी हमने मैकडोनल्ड खाना है, इनके लिए मैकडोनल्ड ले आया। जूबी कह रही थी कि मैंने केएफसी खाना है, उसके लिए मैं केएफसी ले आया। अब ये हम खाना ले आए हैं। सबसे पहले अब हम खाना खाने लगे हैं। ये मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है, ये बड़ी बेटी बैठी हुई है, और दूसरी साइड पे मैं आपको अपने आप को दिखाता हूँ। ये देखे मैं बैठा हूँ और साथ मेरा बेटा भी देखे पीछे आया हुआ है। बेटा ज़रा थोड़ा सा उदास उदास सा है, घर से आया लेकिन उदास है। लेकिन आज दूसरा दिन है तो अभी बाहर निकलेंगे, पहले खाना खिला दें, क्योंकि खाना खा लेंगे बच्चे तो ज़रा थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है वो बाहर निकलेंगे और इन्जॉय करेंगे। चलें फिर अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक भी लगा हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैकडॉनल्ड में कोई म्यूज़िक नहीं लगा हुआ, तो हम उस वजह से हमने सोचा कि चलें यहीं पे बैठ के थोड़ी सी मूवी बना लेते हैं और आपसे बात भी कर लेते हैं। आज बेसिकली मुझे मेरे बच्चों ने दावत दी है और जूबी ने दावत दी है, तो हम लोगों ने अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया है, मैकडॉनल्ड खा लिया है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइजेस हैं तकसीम में, वो तकरीबन हमारा जो एरिया है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे तकसीम में हर चीज़ की प्राइस जो है वो बहुत महंगी है। तो फ्रेंड्स अब हम घर जाएंगे और घर जाके फिर ज़रा दो दिन अब गुजर गए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं मेरा चैनल देखते हैं और उसको लाइक करते हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आपको आज फिर दोबारा ईद मुबारक। पाकिस्तान में तो आज ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को खुश रखे। खुदा हाफिज़।